कुमार सुधार, महामंत्री जिला बार एसोसिएशन। हमारी पश्चिम उत्तर प्रदेश में हाई कोर्ट बेंच की स्थापना के लिए मांग जो चल रही है वो लगभग 40-45 वर्ष पुरानी है, और न केवल ये अधिवक्ताओं की मांग है, प्रत्येक जनसाधारण की मांग है, क्योंकि लगभग हर स्टेट में देख लीजिए, चाहे महाराष्ट्र में देखें, चाहे आप राजस्थान में देखें, या अदर जितने भी स्टेट हैं सभी में देखें, वहाँ मध्य प्रदेश में 4 बेंच हैं, महाराष्ट्र में 3 बेंच हैं, उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा प्रदेश है जनसंख्या में, उसके बावजूद भी केवल यहाँ पे एक बेंच है, लखनऊ बेंच। और लखनऊ की हमारे यहाँ से दूरी लगभग 650-700 किलोमीटर, इससे नज़दीक तो यहाँ से लाहौर की बेंच की है। इसके लिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, जिससे कि हर प्रत्येक व्यक्ति को सुलभ और सस्ता न्याय मिल सके, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक हाई कोर्ट की बेंच की स्थापना शीघ्र होनी चाहिए। जहाँ तक कि माननीय उच्चतम न्यायालय का, जैसे आपने आदेश बताया है, उन्होंने अपने आदेश में ही कहा है कि हो सकता है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हाई कोर्ट की बेंच की मांग उचित हो, यानी उचित उन्होंने अपने आदेश में ही कहा है। हम इसके लिए संसद में कोशिश करेंगे कि संसद में ऐसा अध्यादेश लाए मोदी सरकार कि पश्चिम उत्तर प्रदेश में हाई कोर्ट की बेंच शीघ्र स्थापना हो सके। उचित तो बताया है लेकिन सुनवाई से इनकार कर दिया है। सुनवाई के लिए अभी हायर बेंच है, हायर और भी बेंच है, बड़ी बेंच में इसके लिए अप्लाई किया जाएगा। हमारी मांग निरंतर रहेगी और मांग जायज है इसलिए रहेगी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश का अधिवक्ता इसके लिए, मांग के लिए निरंतर तैयार है, और चाहे हमें संसद को घेरना हो, चाहे हमें मोदी जी का घेराव करना हो, और न्यायिक रास्ते भी उसके ढूंढे जाएंगे।